हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट्सएप में आप अपनी फोटो का जो स्टिकर है वो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी फोटो का स्टिकर बनाने के लिए आपको व्हाट्सएप वेब का यूज़ करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप वेब जो हैं वो आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं यहाँ पर बता दूंगा। पहले हम अपने लैपटॉप से करते हैं। व्हाट्सएप वेब में ही ये फीचर अवेलेबल है जहाँ पर हम हमारा फोटो का स्टिकर बनाएंगे और उसके बाद मोबाइल में कैसे बनाना है व्हाट्सएप वेब को ओपन करके वो भी हम सीख लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेब। ये रहा व्हाट्सएप वेब। अब दोस्तों, ये जो कोड दिखाई दे रहा है वो मैं अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में स्कैन करने वाला हूँ। ये मैं ओपन कर लेता हूँ व्हाट्सएप, तीन डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिंक डिवाइस और लिंक अ डिवाइस, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखिए स्कैनर आ गया, इसको मैं स्कैन करूँगा और स्कैन करते ही मेरा जो मोबाइल का व्हाट्सएप है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप वेब ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं होम एयर, मेरा एक मोबाइल नंबर है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पिन दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर लिखा है स्टिकर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मेरे पास तो उसमें से मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फोटो है। हमने इसे ले लिया है। अब दोस्तों, आप ये जो कट हैं इस पे सिलेक्ट करते हैं, फोटो को कट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके आप इमोजी लगा सकते हैं, जो मन चाहे वो इमोजी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो, ये इमोजी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप दूसरे स्टिकर, अब यहाँ से दोस्तों आप दूसरे स्टिकर सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे, तो उनमें से आप कोई भी स्टिकर सिलेक्ट करके, तो इसमें से आप कोई भी स्टिकर सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बर्थडे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा बीच में ले लेता हूं और यहां से हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। इसको हमने क्रॉप कर लिया और सिमिली वगैरह आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। केक ले लेते हैं यहाँ पर।
से आप स्टिकर, बस इस तरह से आप स्टिकर बना के इसे पेंट कर सकते हैं। देखेंगे कि आपका जो फोटो है वो एज ए स्टिकर सेंड हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे हाथ में दो मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है इसका व्हाट्सएप वेब जो है वो मैं इस मोबाइल में कनेक्ट करूंगा। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर मुझे चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर, और गूगल क्रोम के अंदर जाके मुझे लिखना है व्हाट्सएप वेब। ये आ गया व्हाट्सएप वेब, और यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ सेटिंग में जाएंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर व्हाट्सएप वेब दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, और इस मोबाइल से मैं वो QR कोड स्कैन कर लेता हूँ ताकि इसका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पर चलने लग जाए। अभी देखिए मेरे इस मोबाइल में उस मोबाइल का व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस मोबाइल का जो व्हाट्सएप था मैंने इस मोबाइल में गूगल क्रोम में व्हाट्सएप वेब के माध्यम से मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब आपको किसी भी एक कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने मेरा जो खुद का व्हाट्सएप है उसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपको नीचे यहाँ पर ये जो पिन दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्टिकर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे से सेकंड नंबर वाला जो था वो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज ये हमारा एक फ़ोटो है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आ गया है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसे कट कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई सिमिली वगैरह डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये हार्ट ले लेता हूँ, ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ से हम चाहें तो कोई टेक्स्ट भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है हाउ आर यू, और इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया, और यहाँ से हम इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये क्रॉप हो जाएगा, साइड में चार डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से हम इसे यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, और सिंपली आप यहाँ से इसे सेंड कर दीजिए तो आपका जो फोटो है वो एक स्टिकर के रूप में सामने वाले के पास चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने हमारे फोटो का स्टिकर बनाकर सामने वाले को सेंड कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका व्हाट्सएप से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।